डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सुमन सिंह, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, UPRTU। हम आपको आज MLIS 101 के बारे में, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को के बारे में कुछ बताएंगे, जिसमें कि परिचय है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और इवेल्युएशन है। इस प्रकार अनेक टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे विकास में किस तरह सहयोग कर रहे हैं, यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसमें कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे ICMR, ILA, ALA आदि। उद्देश्य: ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं के विकास, परस्पर समन्वय और उन्नति में सहयोग करने वाले संगठनों के क्रियाकलापों और कार्यक्रमों का विस्तार से हम जान सकेंगे, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिनिधि संगठनों का एवं प्रणालियों का, जैसे कि यूनेस्को, RRLF, नास्टॉक, इंस्टॉक, डेसीडॉक, यूनिसिस्ट, इनिस, एग्रिस, निसात आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। परिचय: वर्तमान में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सूचना केंद्र एवं प्रणालियां स्थापित हैं, जो ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं के उन्नयन, विकास, समन्वय और विकास में सहयोग कर रहे हैं। इसमें शासकीय संगठनों के साथ साथ कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं भी हैं, और वर्तमान सूचना परिदृश्य में ये संगठन अपने विविध क्रियाकलापों, आयामों एवं सेवाओं के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथात्मक नियंत्रण, ज्ञान और सूचना के संप्रेषण तथा सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ग्रंथालय एवं सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अधिकता है। ये संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के साथ साथ परस्पर सहयोग करते हुए नवीन सूचना, विचारों और अनुभवों का विनिमय करते हैं। कुछ संगठन समस्त राष्ट्रों के लाभ हेतु अपने कार्यक्रमों का, अनुभवों एवं संप्रेषण को भी बताते हैं, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे MID, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एक पुराना संगठन है जिसकी स्थापना प्राथमिक उद्देश्य ग्रंथात्मक नियंत्रण एवं ग्रंथपरक क्रियाकलापों में सहयोग एवं सहायक सिद्ध हो सके और इसकी गतिविधियां तथा कार्यक्रमों को समन्वित करना था। इसी सीरीज में IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, में अशासकीय संगठनों का स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय महासंघ एक संगठन है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं के क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों के विकास, ज्ञान, सूचना, सहयोग तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। जैसे कृषि ग्रंथालय एवं प्रलेखन अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल एसोसिएशन एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन, अंतर्राष्ट्रीय विधि ग्रंथालय संघ और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय ग्रंथालय संघ आदि प्रमुख हैं। सभी संगठन एवं संघ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विनियम एवं अनुभवों का संग्रहण करते हैं और परस्पर एक दूसरे को लाभान्वित भी करते हैं और करने का प्रयास भी करते हैं और इसका प्रयोग भी करते हैं। ये संघ समय समय पर संगोष्ठियां, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन भी करते हैं, जिसमें अपने सदस्य राष्ट्रों को आमंत्रित करते हैं, कई प्रकार के प्रकाशन निकालते हैं और समय समय पर सहयोग, सलाह और मार्गदर्शन भी देते हैं। कुछ अन्य संगठन जैसे कि यूनेस्को आदि हैं, जो अपने सदस्य राष्ट्रों को ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं के विकास के प्रगति हेतु प्रत्यक्ष
एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायता भी उपलब्ध कराते हैं, जिसके अंतर्गत तकनीकी सहायता प्रकार की क्षेत्रीय परियोजनाओं का संचालन प्रमुख है। यूनेस्को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन भारतवर्ष में 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश बना। भारत में यूनेस्को के दो कार्यालय हैं, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर धारा 57 के अंतर्गत राष्ट्रों के मध्य विज्ञान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में परस्पर सहयोग के उद्देश्य से यूनेस्को की भी स्थापना की गई और पहले 1945 में लंदन में 44 राष्ट्रों प्रतिनिधियों द्वारा इस दिशा में प्रयास किया गया। इस प्रयास के फलस्वरूप 4 नवंबर 1946 को जब 20 सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसके संविधान को औपचारिक रूप से जब स्वीकार कर लिया, इसके बाद विधिवत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन अपने अस्तित्व में आया। विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है। उद्देश्य यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? यूनेस्को के उद्देश्य में सभी स्तरों पर वैज्ञानिक सूचनाओं का संग्रहण और वितरण करना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग के क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना, विभिन्न महत्वपूर्ण भाषाओं के दुर्लभ ग्रंथों और पांडुलिपियों के अनुवाद में सहायता करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं दुर्लभ पांडुलिपियों के अनुवाद में सहायता करना, विश्व शांति स्थापना करना, मानव अधिकारों ह्यूमन राइट्स तथा अंतर्राष्ट्रीय बोध गम्यता को प्रोत्साहित करना, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों को, संगीतज्ञों को, दार्शनिकों को और अन्य विशिष्ट विद्वानों के मध्य विद्वता सहयोग को बढ़ावा देना। यूनेस्को संगठन में 1944 सदस्य और 12 सहयोगी सदस्य हैं। साथ ही गैर सरकारी, अंतर सरकारी और निजी क्षेत्रों में भागीदार हैं। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय वाले यूनेस्को के 53 क्षेत्रीय कार्यालय और 199 राष्ट्रीय आयोग हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को इंट्रोडक्शन। गठन 16 नवंबर 78 साल पहले, मतलब 78 साल पहले। और इस किस प्रकार का है ये? तो संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है, कानूनी स्थिति सक्रिय है, मुख्यालय पेरिस में है जो कि फ्रांस में, महानिदेशक आड्रे अजोले, संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, वेबसाइट en.unesco.org। गतिविधियां, एक्टिविटीज़, यूनेस्को की एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये क्या कार्य करता है? यूनेस्को की प्रमुख गतिविधियां हैं ग्रंथ के उत्पादन, कॉपीराइट अंतर्गत ग्रंथ उत्पादन, कॉपीराइट आदि सम्मिलित हैं। सभी क्रियाकलापों के 1976 में इसमें दो प्रमुख विभाग स्थापित किए गए जिनके नाम इस प्रकार हैं, प्रलेखन एवं सूचना विभाग। इन विभागों की यूनेस्को कार्यक्रम के संचालन हेतु उत्तरदायित्व सौंपा गया। इन समस्त कार्यक्रमों को एक नए विभाग सामान्य सूचना कार्यक्रम जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम PG के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया और इस विभाग से यूनेस्को के प्रलेख प्रणाली विभाग, कंप्यूटर प्रलेखन सेवा, यूनेस्को ग्रंथालय, यूनेस्को अभिलेखागार को प्रशासकीय दृष्टि से अलग रखा गया। PGI और प्राचालित सेवा विभाग को सामान्य सूचना सेवा के नाम से मिलाकर एक एकीकृत प्राधिकरण के अंतर्गत कर दिया गया। क्रियाकलाप, यूनेस्को की कई विशेष क्रियाकलाप हैं, जैसे कि प्रलेखन, ग्रंथालय एवं अभिलेखागार सेवाएं, पब्लिक लाइब्रेरी, मैनिफेस्टो। यूनेस्को ने सार्वजनिक ग्रंथालयों का विकास किया और जिससे समुदाय को शिक्षित किया जा सके।
यूनेस्को के द्वारा दिल्ली में 1951 में, मेडलिन कोलंबिया में 1954 में, एनुगु नाइजीरिया में 1959 में सार्वजनिक ग्रंथालयों की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त इसने नाइजीरिया, घाना एवं अन्य अनेक देशों में आदर्श सार्वजनिक ग्रंथालय की स्थापना की। यूनेस्को अपने सदस्य राष्ट्रों को प्रलेखन केंद्र स्थापित करने के संबंध में परामर्श देते हैं तथा प्रलेखन केंद्रों एवं अभिलेखागार केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और उपकरणों की सहायता प्रदान करता है। विशिष्ट ग्रंथालय एवं विश्वविद्यालय के लिए योगदान, ग्रंथालय की सेवाओं को उन्नत एवं प्रभावशील बनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना जैसे कि सेमिनार, प्राविधिक सहायता, विषय अनुदान आदि। 1962 में अर्जेंटीना में मेंडोज ने लैटिन अमेरिका में विश्वविद्यालय ग्रंथालयों के विकास पर एक क्षेत्रीय सेमिनार का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया। 1971 में पनामा में एक सेमिनार का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया गया। शिक्षण प्रशिक्षण की नवीन अवधारणाओं, विधियों, प्रक्रियाओं तथा प्रशिक्षण प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रंथालय हेतु योगदान, यूनेस्को ने सितंबर में 1958 में वियना में सेमिनार, 1964 में मनीला फिलीपींस में सरकार के सहयोग से एक सेमिनार आयोजित किया और राष्ट्र के सभी ग्रंथालयों को नेतृत्व प्रदान करना इन्होंने अपना धर्म समझा और ग्रंथालय सेवाओं का आयोजन किया। सभी प्रकार की अन्य सामग्रियों का अधिग्रहण करना, अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट की व्यवस्था की पुष्टि की जानी चाहिए। राष्ट्र में सार्वजनिक ग्रंथालयों के एक समन्वित नेटवर्क के विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रंथालय अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए, ग्रंथा उत्पाद विस्तार होना चाहिए। नाटिस राष्ट्रीय सूचना प्रणाली सितंबर 1974 में, पेरिस राष्ट्रीय प्रलेखन सामान्य सूचना कार्यक्रम GIP 1976 में, नैरोबी केन्या में हुआ सामान्य सूचना कार्यक्रम जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम GIP की स्थापना की गई। सूचना नीति तथा योजनाओं की सूत्रबद्धता की गई और सूचना संरचना एक आवश्यक स्वरूपों के विकास में योगदान करना, अनुवाद एवं प्रकाशनों का विनिमय करना। यूनेस्को ईस्ट वेस्ट मेजर प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय सूचना प्रणाली यूनिसिस्ट एंड ICSU प्रलेखन के अनुसंधान की अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली प्रलेखन केंद्रों की स्थापना। यूनेस्को के कई देशों में प्रलेखन केंद्र स्थापित किए गए। इंस डॉग नूडल ही 1952 डॉक्यूमेंटेशन इन जैक्राट्र एंड द 1956 कोर्स TIC सियोल 1962 पैनडॉक 1957 डॉक्यूमेंटेशन इन मनीला 1950 TNDC बैंकॉक 1964 ETC बिब्लियोग्राफिकल सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रकाशन यूनेस्को लाइब्रेरी एंड पब्लिकेशन यूनिसिस न्यूज़लेटर। निष्कर्ष, इन सब बातों को जानते हुए हम इस बात पे पहुँचे हैं कि यूनेस्को अपने आप में एक अद्वितीय संगठन है जो शुरू से ही सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु ग्रंथालयों को प्रलेखन केंद्रों की प्रगति और विकास के क्षेत्र में परस्पर सहयोग स्थापित करने में सभी तरह से सहयोग प्रदान कर रहा है और यूनेस्को की विकासशील राष्ट्रों के अंतर्गत ग्रंथालय प्रलेखन एवं सूचना से संबंधित गतिविधियां हैं। यूनेस्को का योगदान ग्रंथालय प्रलेखन एवं सूचना सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। यूनेस्को कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना प्रणालियों के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रगति की दिशा में कार्यरत है। थैंक यू।